फैमिली कैसे हैं आप मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे मजे में होंगे फिट फाट होंगे तो जी हाजिर ने एक बहुत ही नए से ब्रांड न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में जो कि जबरदस्त है और लास्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसलिए तो उसका ले आई हूँ नेक्स्ट पार्ट क्योंकि ये वीडियो जो है वो टू पार्ट्स में थी ये जो कल्चर फेस्टिवल चल रहा है लाहौर में लाहौर लाहौर है तो उसके जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया था उस वीडियो को तो जिसका सेकंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपने बहुत पसंद किया तो इसलिए सेकंड पार्ट की काफ़ी डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जो है जल्द ही आपको सेकेंड पार्ट भी उसका दिखा दिया जाए और आपको बताया जाए मज़ीद इस फेस्टिवल के बारे में कि इस फेस्टिवल पर क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें इंटरटेनिंग चीज़ें हैं आप यहाँ वहाँ जाके क्या क्या जा... इन्जॉयमेंट कर सकते हैं और इस मेले में आप फैमिली के साथ बिला झिझक आएँ और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वसी जो है वो पार्क मिलेगा जिसमें जगह जगह पे डिफरेंट जो है आपके लिए एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं जो कि आप वहाँ पे बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे फुल डे आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे स्पेंड करें और आपका ये डे बहुत ही मेमोरेबल डे बनेगा और बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे हर हाँ किस्म के झूले हैं और इसके अलावा और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं खाने पीने की चीज़ें भी हैं और बच्चे जो हैं अगर खेल कूद करके उसके अलावा झूले लेके थक जाते हैं तो उनके लिए खाने पीने की बहुत मज़े मजे की चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे खूबसूरत सी शाही सवारियाँ भी मिलेंगी जहाँ पे आप बैठ के अपने आप को बहुत रॉयल सा फील कर सकते हैं और ये सारा पार्क जो है सजा हुआ है फुल और क्योंकि यहाँ पे एक मेले का समा है और मेला जो है ये शहरी मेला है ये जी गांव का मेला नहीं है जो गांव में होता है तो यहाँ पे फैमिली के जो है वो तशरीफ़ ला रही हूँ और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे क्योंकि है जी ये संडे का दिन था जो जिस दिन मैंने ये विजिट किया है मेले को तो उसमें जो हम गए हैं और यहाँ पे आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं अपनी बिजी लाइफ से निकल के अपनी बोर्ड लाइफ से निकल के जो है अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशगवार बना सकते हैं और खुश खुशम यहाँ से आप वापस जाएँगे और आई होप कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे अगर अभी तक आपने इसको विजिट नहीं किया तो ज़रूर कर लें ये है जी जलानी पार्क लाहौर में जिसका पुराना नाम रेस कोर्स पार्क भी है वहाँ पे ये मेला जो है है और उसके अलावा मैं आपको पार्क का भी थोड़ा सा ओवरव्यू तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और फुल वीडियो अगर आपका दिल करे तब जरूर देखिएगा क्योंकि जी इस वीडियो में बहुत आने वाला है मज़ा आपको और मज़े मजे के खाने देखने को मिलेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि अभी हम भी कर रहे हैं यहाँ पे जी तीन अंदाजी की थोड़ी सी हो रही है प्रैक्टिस लेकिन निशाना लगाने में नाकाम रही मैं और उसका जो बोर्ड है उसे आउटसाइड पर ही निशाना लगा दिया तो यहाँ पर जी देख लें कितना खूबसूरत सा पार्क को सजाया हुआ है डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं खूबसूरत सी तस्वीरें ले सकते हैं सेल्फीज़ ले सकते हैं वीडियोस बना सकते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे जो भी आने वाला बंदा है वो खुश होकर जाए और बिल्कुल भी बोर ना हो तो बंदा जो है यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा फील करता है एक तो ग्रीनरी है दूसरा रंगा रंग ज आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं डेकोरेशन नज़र आ रही है उससे और ही ज़्यादा इस खूबसूरती को इनहेंस किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप घुड़सवारी कर सकते हैं इसके अलावा ऊँट पर बैठ सकते हैं बच्चे बड़े जो भी जिसका दिल चाहे और यहाँ पे जो सेट अप नजर आ रहा है ये हाल ही हाल ही ये जो है ये डिफरेंट कंपनीज़ ने यहाँ पे सेटअप लगाए हुए हैं और ये रात के वक्त जो है ओपन होते हैं लेकिन हम क्योंकि डे टाइम गए मैंने पहले पार्ट में भी बताया डे टाइम अभी ये सब ओपन नहीं हुआ था अभी इनके जो है वो ऑन नहीं हुए थे और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से रात को म्यूज़िकल शो भी होते हैं जो कि वो हमने मिस कर दिए क्योंकि हम डे टाइम में गए थे और इनकी जो ओपनिंग है वो फोर पी एम से रात बारह बजे तक जो है वो रहती है तो इसलिए हम हमने तो तीन बजे यहाँ से वापसी कर ली थी क्योंकि वापस आना था सो so, यहाँ पे ये एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में तो बहुत ही मज़े की लग रही है और थोड़ी सी डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा की गई है जिस वजह से ये बड़ी अट्रैक्टिव आपको लग रही है कि एडवर्टाइजिंग लग रही है कि इसको ज़रूर खाएं तो हमने सोचा चलो हम इसको ट्राई कर लेते हैं तो जब ट्राई किया तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने तो जस्ट वन बाइट लिया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा इसमें मीठा सा ये लड्डू इसका नाम था लड्डू टिक्की इस तरह से इसका कुछ नाम है और ये आपको इसी पार्क में नजर आएगी ये इसका स्टॉल जो है और यहाँ पे ये दो जो है ये दो सौ की एक प्लेट है और ये कुछ जो है चटनियाँ ये एक मीठी सी चटनी बल्कि मीठी हैं कोई भी स्पाइसी वगैरह तो कुछ नहीं है ये डाल के देंगे और ऊपर ये कुछ मूलियों का जो है सैलड वग़ैरह ये डालेंगे और ये फिर आप खाएंगे तो हो सकता है आपको मजा आ जाए मैं <laughs> तो यही कहूँगी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा सो so, आपने अगर कर चेक करनी है आपको अट्रैक्टिव लग रही है एडवर्टाइजिंग लग रही तो आप एक लेके एक बार चेक कर लें अगर आप अच्छी लगे तो आप और भी ले लें लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी और हस्बैंड को तो पसंद आ गई थी उन्होंने खा ही ली और क्योंकि पैसे जो लगाए थे और यहाँ पे जी हम फिर पार्क में आ गए और बच्चों बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे खेल कूद रहे थे और कोई फुटबॉल खेल रहा है कोई क्रिकेट खेल रहा है तो हमने सोचा चलो जी हम भी थोड़ी सी क्रिकेट जो है खेलते हैं क्योंकि हस्बैंड को क्रिकेट जो है बहुत पसंद है उनका पैशन है क्रिकेट और खेलना तो अभी हम थोड़ी देर में जो है यहाँ पे आते हैं और क्रिकेट का जो है ना यहाँ पे मैच लगाते हैं और अभी जो है फुल स्टॉल्स और ये हम दूसरी साइड पे आए हैं इसकी डिफरेंट साइड्स हैं इस पार्क की इतनी ज़्यादा साइड्स हैं ना कि आप घूम घूम के थक जाओगे और यहाँ पर जी अभी ये गेंदे के जो है पौधे लगाए गए हैं और आगे जब सीजन आएगा तो इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फूल खिलेंगे और ये पाग जो है और रंगा रंग हो जाएगा फूलों से अभी फूलों का मौसम नहीं था इस वजह से आपको फूल कहीं नज़र नहीं आ रहे और ये जो है, थोड़ी सी आबशार बनाई गई है और यहाँ होते हुए, होते हुए पे जाता है, लग रहा है जब ये चलेगा, तो बहुत लगेगा, और अभी -अभी नहीं चले थे, हम थोड़ा गए थे लेकिन जल्दी जाने का एक फायदा भी है कि इतना ज्यादा रश नहीं था बंदा इजिली जो है वो अपना इंजॉय कर सकता है और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जहां मीनार पाकिस्तान भी वाक है वहाँ पे हिस्ट्री म्यूजियम पार्क है और उसके टाइमिंग और उसकी जो है वो टिकट वगैरह राइड की गई है तो आप वहाँ पर जाना चाहें आप तो आप जब लाहौर आएँ तो वहाँ तो ज़रूर जाए क्योंकि जब आप लाहौर आते हैं और मीनार पाकिस्तान या ग्रेटर इकबाल पार्क विजिट नहीं करते तो समझो आप लाहौर आए नहीं क्योंकि मेन जो है वो तो मीनार पाकिस्तान ही देखने वाला है वो जगह जो है देखने वाली और वहाँ बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है और वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान से बनने से ले कर आज तक की सारी जो है चीज़ें वगैरह वहाँ पर रखी हुई हैं और बहुत ही आपको वहाँ उन्होंने बड़े जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जिससे आप हिस्ट्री के बारे में मज़दीद जान सकते हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री के बारे में और यहाँ पर ये जी जलानी पाक का थोड़ा सा ओवर व्यू मेला तो आपने देख ही लिया तो मैंने सोचा चलो जलानी पाक भी आपको ये इतना लम्बा एक लगाया गया था पोल और इसके ऊपर जो है फ्लैग लगा हुआ है जिसको देखना भी जो है पॉसिबल नहीं था बहुत ऊँचा था और यहाँ पर जी थोड़ी सी पाकिस्तान की जो है वो इन्फॉर्मेशन वो राइट की गई है नेशनल एंथम के बारे में कि नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा और उसके म्यूज़िक जो है किसने डिज़ाइन किया ये सारा जो है यहाँ पे राइट किया हुआ था और ये ख़ूबसूरत सा पार्क है और ये इनका जो है यहाँ पे जब अभी जो है हुआ है फोर्टीन अगस्त तब ये उन्होंने जो है वो लगाया होगा बनाया होगा तो इसलिए ये इस पार्क का ओवर है और यहाँ पर ये खूबसूरत से प्लांट भी लगाए हुए हैं और प्लांट्स प्लान्ट फिर आपको पता ही है कि मुझे कितने ज़्यादा पसंद है तो जहाँ पर प्लांट्स हो तो फिर मैं उनकी कैप्चरिंग ना करूँ ये से हो सकता है सो so, यहाँ पे जी ये आई लव लाहौर राइट किया हुआ है जहाँ पे आप अपनी खूबसूरत से वीडियोस और पिक्चर्स ले सकते हैं सेल्फीज ले सकते हैं कि जहाँ से पता चले आप लाहौर में कोई यकीन ना करें तो तो आप यहाँ पे सेल्फी बना के जो है वो सेट करें कि आई एम इन लाहौर सो so, यहाँ पर जी हमारा मैच शुरू हो गया क्रिकेट मैच दो बच्चे थे यहाँ पर और हमने उनसे बैट बॉल जो है वो उदार ले लिया बल्कि उनको भी साथ लगा लिया कि चलो जी हमें कराओ बॉलिंग बच्चे जो है वो तो उकता गए हमसे कि ये लोग तो सही हैं कि हमारा बैट और बॉल लेके कब्ज़ा ही कर लिया इन लोगों ने दे ही नहीं रहे तो फिर जी लेट लास्ट वो कहते कि हमें भी बारी दे हमें भी आप बॉलिंग कराएं तो फिर उनको भी थोड़ी सी बॉलिंग कराई और ये थे वो बच्चे और जिनसे हम जो है वो गेम कर रहे थे तो इनको भी थोड़ी सी बॉलिंग कराई और फिर हम चले गए क्योंकि हमारे जाने का जो है वो टाइम हो चुका है यहाँ पे जी हम निकल रहे हैं पार्क से वापसी पर और इतना ज़्यादा रश हो रहा था उस वक्त जब हम इस पार्क से जो है एग्ज़िट कर रहे थे अभी लोगों ने आना शुरू किया था और सारे जो लोग हैं लोकल वहाँ के लाहौर के वो आ रहे थे और जो बाहर से आए हुए थे वो आई थिंक जा ही रहे थे तो इसलिए इतना पार्किंग में रास्ता पार्किंग की स्पेस बहुत कम है जहाँ पे जो है गाड़ियों का और बाइक का खड़े होना बहुत पॉसिबल नहीं था सो जी हम जी यहाँ से निकल गए हैं और अभी हम जाएंगे घर वापस और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आई होप आई होप बहुत 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 पसंद आई होगी और इन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी तो तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मिलेंगे फिर प्यारी से